डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मोरार का राजकीय महाविद्यालय जुड़न। ये विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड, विषय VST, अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन, प्रश्न पत्र प्रथम में हमने वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस के बारे में अध्ययन किया रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इनके अर्थ को जाना, किस तरह के इसमें सम्मिलित हैं रेशियो, उनके बारे में अध्ययन किया और उसके साथ साथ हमने इनमें जो प्रथम स्थिति में थे कि हमने किस तरह से तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोध क्षमता अनुपात को ज्ञात करने के बारे में हमने अध्ययन किया और उसमें चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात, करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, इन संबंध में अध्ययन किया और उसकी गणना के लिए जो फार्मूला हैं उनके बारे में जाना। अब हमें यदि चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात की ज्ञात करें, लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो जो हमने देखा है कि इसके अंतर्गत जो जो आएंगे उनका अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत तरलता जो शब्द है उस तरलता से तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान की योग्यता से है। भी जब हमें यदि दायित्व का भुगतान करना पड़े तो हमारी जो चालू संपत्तियां हैं वो कैसी हैं, कितनी हैं, क्या उनका भुगतान हो सकता है। अतः इस प्रकार की जो कार्य नाम है वो तरलता है और तरलता के बारे में आपको स्पष्ट कर दिया कि संस्था के चालू दायित्व देय होने पर उसके भुगतान की योग्यता से है। मायो के अनुसार तरलता से अभिप्राय संपत्तियों के नगद में परिवर्तन करने की सुगमता से है कि जो संपत्तियां नगद में परिवर्तन हो जाएं तुरंत ही, जब चाहे तभी, वो तरलता मानते हैं। यदि संस्था तरल होगी तो वह अपने चालू दायित्वों के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकेगी। अतः तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की योग्यता को मापते हैं कि जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, तरल संपत्तियां जिनको हम कहें लिक्विड एसेट्स हैं, वो से यदि हम करेंट लाइबिलिटीज के भुगतान की व्यवस्था तुरंत हो जाए तो वो तरलता हो की मात्रा अधिक होगी। अच्छा, तरलता अनुपात में केवल अल्पकालीन लेनदारों के लिए ही उपयोग नहीं होते हैं जो अपने ऋण या भुगतान की प्राप्ति में रुचि रखते हैं, बल्कि संस्था के प्रबंध के लिए भी उपयोगी होते हैं जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अनुपातों को तरलता अनुपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी की चालू संपत्तियों की तरलता या मौद्रिकता की मात्रा का संकेत देते हैं और संस्था की तरलता परीक्षण के लिए न्यून अनुपातों की गणना की जाती है और उसमें प्रथम है चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात। ये तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोध क्षमता अनुपात ये महत्वपूर्ण अनुपात हैं और अनुपात विश्लेषण में से प्रतिवर्ष परीक्षा की दृष्टि से भी 25 से 30 अंकों का पेपर इसी एक चैप्टर में से दिया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अतः हम चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात, करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो का कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अर्थ क्या है, तो और जो मीनिंग है वो अर्थ है वो है चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसलिए इस अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में संकेत देता है जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का एक माप है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऐसी संपत्तियां जो आने वाले लेखा अवधि या वर्ष के दौरान नगद में परिवर्तन हो जाएंगी या चालू संपत्तियां कहलाएंगी तथा ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाली लेखा अवधि या वर्ष के दौरान करना है वो चालू दायित्व कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं, वो करंट एसेट्स हुई। अतः चालू संपत्तियां व चालू दायित्व के अनुपात की गणना करके कंपनी की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का अपरिष्कृत
अध्ययन किया जा सकता है, जानकारी प्राप्त की जा सकी सब कुछ। और गणना का जो सूत्र है वह है चालू संपत्तियां या चालू दायित्व के अनुपात को चालू अनुपात करंट रेशियो कहते हैं, और सूत्र में करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके घटक क्या हैं चालू संपत्ति और दायित्व में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे चालू दायित्व करंट असेट्स में देवी पित्र होगा, बिल्स पेबल होगा, लेनदार क्रेडिटर्स होंगे, अल्पकालीन ऋण होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे, बैंक अधिवर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट यदि वर्ष में चुकाना हो, उसी वित्तीय वर्ष में जिसमें लेखा किया जा रहा है उसमें यदि चुकाना हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अधिवर्ष को सम्मिलित किया जाता है। आदत वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कर आयोजन टैक्स प्रोविजन यदि कोई है उस वित्तीय वर्ष का तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। न मांगा गया लाभांश अनकलेम डिविडेंड्स को भी चालू दायित्व में सम्मिलित किया जाएगा। घोषित लाभांश प्रपोज डिविडेंड जो घोषित कर दिया उस लाभांश को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ग्राहकों से अग्रिम एडवांस फ्रॉम कस्टमर से यदि हमने प्राप्त की है और उसका भुगतान करना तो उसको दायित्व माना जाएगा। डीलरों से जमाएं डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स से यदि उनके पास जमा है उनको भुगतान करना है तो वो भी चालू दायित्व माना जाएगा। दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय किस्त यदि कोई इंस्टॉलमेंट है पे ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स तो वो भी चालू दायित्व में, ये सारे के सारे जो हैं दायित्व हैं वो करंट लाइबिलिटीज हैं, चालू दायित्व हैं, जिनको करंट रेशियो ज्ञात करने के लिए चालू दायित्व की गणना करने के लिए इसका योग करें। चालू संपत्तियां करंट असेट्स, सबसे पहले रोकड़ कैश, बैंक सेस बैंक बैलेंस, प्राप्ति पत्र बिल्स इश्यूअर्स, देनदार डेटर्स, स्टॉक स्कंध है जो उसकी, और अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यदि है या विपणी योग्य प्रतिभूतियां मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो उनको भी चालू संपत्ति में सम्मिलित करेंगे। पूर्वदत्त वे प्रपेड एक्सपेंसेज, अग्रिम भुगतान एडवांस पेमेंट यदि कोई किया हुआ है तो उसको भी सम्मिलित करेंगे। उपार्जित आय अक्रूड इनकम है तो उसको भी करेंगे, और सार्वजनिक आयों के पास रखी जमाएं डिपॉजिट्स पब्लिक बॉडीज के पास हैं फ्रॉम ए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए रखी हुई हैं तो उनको भी सम्मिलित करेंगे। अन्य राशि जो वर्ष में प्राप्त होने वाली हो, अदर इनकम है जो रिसीव विद इन ईयर उस वर्ष में प्राप्त होगी जिसमें वित्तीय लेखा किया जा रहा है तो उनको भी चालू संपत्तियों में करंट असेट्स में सम्मिलित करें। बैंक अधिवर्ष की सुविधा साधारणतः स्थायी होती है वैसे मुख्य रूप से, अतः तर्क दिया जाता है कि चालू अनुपात की गणना करते समय बैंक अधिवर्ष को चालू दायित्व न माना जाए। वस्तु स्थिति यह है कि बैंक अधिवर्ष की सुविधा को बैंक किसी भी समय निरस्त कर सकता है तथा नियमानुसार बैंक अधिवर्ष को यथासंभव जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, अतः बैंक अधिवर्ष को चालू दायित्व माना जाना चाहिए क्योंकि किसी भी समय सुविधा बंद कर सकता है, अपना पैसा वापस मांग सकता है, तो सबसे पहले बैंक अधिवर्ष को भुगतान, इसलिए इसको चालू दायित्व में सम्मिलित करना चाहिए। चालू अनुपात ये बताता है कि चालू दायित्व के प्रत्येक रुपए के भुगतान के लिए कितनी चालू संपत्तियों की व्यवस्था है हमारे पास। मान लीजिए चालू संपत्तियां 2000 की हैं तथा चालू दायित्व 1000 का है तो जो चालू अनुपात करंट रेशियो है वो 2000:1000 होगा। इसका मतलब एक दायित्व को भुगतान करने के लिए 1 रुपये का जो 2 रुपये हमारे पास संपत्तियाँ हैं, अर्थात प्रत्येक रुपए के चालू दायित्व भुगतान के लिए संस्था के पास 2 रुपए की चालू संपत्तियां हैं जो एक लेखा अवधि में नगद में परिवर्तन हो जाएंगी तथा नगद के रूप में है। अतः स्पष्ट है कि चालू अनुपात संस्था की अल्पकालीन तरलता का सूचक है। यह अनुपात 1 से जितना अधिक होगा संस्था की अपने चालू दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी, वह अल्पकालीन ऋणदाता समय पर ऋणों की वापसी के प्रति उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे, परंतु इस अनुपात का 1 सीमा से अधिक होना ऋणदाताओं की दृष्टि में अवश्य अच्छा है पर वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से अल्पकालीन वित्तीय साधनों की त्रुटिपूर्ण नियोजन में उपयोग का द्योतक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यवसाय की अत्यधिक धन राशि अनुत्पादक रूप में बेकार पड़ी रहती है जिस पर कोई आय या प्रत्याय प्राप्त नहीं होती है। तथा दूसरी ओर निम्न चालू अनुपात व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की कमी को प्रदर्शित करता है जिसे व्यवसाय के सुचारू संचालन में बात आती है, इसलिए
ध्यान रखना चाहिए। आदर्श या प्रमाप अनुपात है वो आइडियल और स्टैंडर्ड रेशियो है वो अधिकतर जो विद्वान या लेखापालों के मतानुसार औद्योगिक फर्मों में जो औद्योगिक फर्म है उसका 2:1 का अनुपात आदर्श समझाता है, क्योंकि ये 2:1 इस बात का विश्वास दिलाता है कि वर्तमान स्तर में मूल्यों में 50% गिरावट भी आ जाए तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय भुगतान हो जाएगा, परंतु व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का 2:1 का 4:1 कोई प्रमाणिक अपना माप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषताएं होती हैं तथा उनके कार्य की दिशाएं विभिन्न भिन्न होती हैं, अतः व्यवसाय की प्रकृति शाख अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन वांछनीय होंगे कर सकते हैं। अतः 4:1 निवर्तन नियम 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है प्रमाप या आदर्श अनुपात के आधार पर, दूसरा संस्था की प्रगति के आधार पर, और तीसरा उद्योग व अन्य उद्योगों में इस अनुपात की स्थिति का आधार। इस अनुपात की जो कमियां हैं वो क्या हैं? सबसे पहले व्यवसाय की अनुपातिकता या अकुशल विनियोग नीति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, ये धीमी संग्रहण नीति को दर्शाता है जिसकी वजह से देनदारों से वसूली कम होती है और डूबत ऋण की वृद्धि होती है। तीसरा, इसमें व्यवसाय का धन अनावश्यक रूप से चालू संपत्तियों में अनुत्पादक पड़ा रहता है जिसे संग्रहण लागत या रख रखाव तथा ब्याज की लागत में वृद्धि होती है जो हमने जाना था। और निम्न 4:1 के भी दोष होते हैं। संस्था के पास लेनदारों को भुगतान करने हेतु रोकड़ की कमी रहती है, व्यवसाय की कार्यशील पूंजी में कमी जो कि यह दर्शाता है कि संस्था अपने संसाधनों से अधिक व्यापार कर रही है जिसे प्रबंध हमेशा तंगी या रुकावट महसूस करता है। और तीसरा इसमें है, इसे संस्था को शोधन समतः साख में कमी आती है। इसके दोष भी होते हैं 4:1 के, उसमें सभी चालू संपत्तियों का समान महत्व है। दूसरा, चालू शब्द भ्रामक है। तीसरा, ऊपरी दिखावट से प्रभावित है। और इसके साथ साथ हमें जो दूसरा अनुपात है इसमें वो त्वरित अनुपात या अमर परक अनुपात, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो ज्ञात करना। एसिड टेस्ट रेशियो है क्या? इसका अर्थ है कि त्वरित अनुपात क्विक रेशियो को अमर परक अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो या तरल अनुपात लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और ये अनुपात ये जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि यदि संस्था को अपने चालू दायित्वों का तुरंत अथवा निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या वह भुगतान किया जा सकता है या नहीं। त्वरित अनुपात त्वरित संपत्तियां तथा चालू दायित्वों के मध्य संतुलन करता है। करंट रेशियो जो हमने पढ़ा वो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुपात ज्ञात करते हैं, और इसमें जो संपत्तियां निकट तुरंत ही कैश रूप में परिवर्तन हो सकती हैं अर्थात क्विक एसेट्स हैं उसमें करंट लायबिलिटीज का भाग देंगे तो हमारे पास क्विक या लिक्विड रेशियो ज्ञात हो जाएगा। और करंट असेट्स में से क्या कम करें जो क्विक असेट्स हो जाएं? करंट असेट्स में से यदि स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस कम कर दें तो हमारे पास क्विक असेट्स प्राप्त हो जाती हैं, और क्विक असेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग दे दें तो क्विक या लिक्विड रेशियो में ज्ञात हो जाता है। इसे हम क्विक असेट्स और कुछ विद्वान त्वरित या तरल अनुपात की गणना के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर त्वरित चालू दायित्वों का प्रयोग करते हैं, क्विक लायबिलिटीज का भी प्रयोग करते हैं, और इनके लिए प्राय उन चालू दायित्वों को कुल चालू दायित्वों से हटा दिया जाता है जिसका भुगतान 6 माह या अधिक समय बाद किया जाना है। बैंक अधिकर्ष या भावी कर फ्यूचर टैक्स आदि के अत्वरित दायित्व होते हैं, और उसके लिए हमें क्या है कि बैंक अधिकर्ष की राशि या फ्यूचर टैक्स भावी कर को घटाते हुए क्विक लायबिलिटीज ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जब पूछे गए प्रश्नों में इस सूत्र का उपयोग करके प्रश्नों को हल किया गया है तो विद्यार्थी की सुगमता के लिए टोटल करंट लायबिलिटीज का उपयोग करते हैं, परंतु अच्छा तो यह है कि क्विक लिक्विड पहचान कर सकें तो क्विक लिक्विड का उपयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं हो उसे संभव नहीं हो पाए तो करंट लायबिलिटीज का भाग देते हैं क्विक या लिक्विड रेशियो। चालू अनुपात या त्वरित अनुपात में मुख्यतः अंतर क्या है? चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर मुख्यतः यह है कि चालू अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि
कि संस्था अपने चालू दायित्वों का शोधन आगामी एक वर्ष में कर सकेगी या नहीं, जबकि त्वरित अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का तुरंत या कुछ अल्प समय बाद भुगतान कर सकेगी या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और चालू अनुपात में चालू संपत्ति के अंतर्गत स्टॉक इन्वेंट्रीज की बात थी व पूर्व दायित्वों प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी शामिल नहीं किया जाता है, जबकि स्टॉक न्यूनतम तरल संपत्ति होता है तथा जिस व्ययों का भुगतान अग्रिम कर दिया गया है उन्हें पुनः वसूल नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक एक तो तरल कम होता है, दूसरे इसके मूल्य में परिवर्तन की संभावना भी रहती है। अतः चालू अनुपात द्वारा प्रदर्शित तरलता स्थिति अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। अतः चालू अनुपात की इस कमी को दूर करने के लिए ही त्वरित अनुपात क्विक रेशियो का उपयोग किया जाता है। अतः त्वरित संपत्तियों में स्टॉक व पूर्व दायित्वों को सम्मिलित नहीं किया जाता है और अग्रिम भुगतान व अग्रिम कर को भी नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें भी त्वरित संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता। अतः इसका आदर्श अनुपात है वो आइडल रेशियो है वो अनुपात एक एक का आदर्श या प्रमाप माना जाता है। अतः यदि तरलता अनुपात एक एक या इससे अधिक है तो संस्था की चालू वित्तीय स्थिति या अल्पकालीन शोध क्षमता होगी। इसके विपरीत यदि अनुपात एक एक से कम हो तो संस्था की अल्पकालीन शोध क्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया और इसमें चालू संपत्तियां व चालू दायित्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हुए हमने इन रेशियो की गणना की है और इस गणना के आधार पर हम इनकी गणना करेंगे क्वेश्चन में जो भी होगा उसके आधार पर। धन्यवाद।